लेफ्ट हो जाओगे। अच्छा सर, तभी तो मैं सोच रही कि मेरे अकाउंट में पैसे कहाँ से आए। ठीक है। सो मेरे प्यारे बच्चों, है ना, आप सबको देखते हुए अच्छा लग रहा है मुझे, बिकॉज हम एक नया चैप्टर भी स्टार्ट करने वाले हैं, और आप देखोगे ना तो ये बहुत, मतलब बहुत बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। मतलब कि ऐसे पढ़ोगे कि आपका 4 मार्क्स आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेसिकली आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वो चैप्टर का नाम है, दैट इज बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल्स बायोमोलिक्यूल्स आपका चैप्टर का नाम है। अब देख बच्चों, अगेन एक चीज बोल रहा हूँ, जैसे प्रिशु का कुछ डाउट था या फिर अवध्य कुछ डाउट था, बहुत से बच्चों को डाउट था कि हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। तो बायोमोलिक्यूल चैप्टर बच्चा बहुत छोटा चैप्टर है। इसके बाद जो चैप्टर हम पढ़ने वाले बच्चा, डी एंड ब्लॉक, पी ब्लॉक, मेटलर्जी, हम इसको आराम आराम से निपटा देंगे। ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर से जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं आपको ट्रिक बताऊं कैसे खत्म होगा, ठीक है। इवन आज भी आपको ऐसा लग गया कि चैप्टर स्टार्ट हुआ नहीं, खत्म हो गया, इतना आपको मजा आएगा चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। और मैं आपको जो अमीनो एसिड पार्ट था, वो भी आपको एकदम सिंपल सा बेसिक से मैं आपको पूरा कराने वाला हूँ ये पार्ट, ठीक है। चलो तो बच्चा, आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम बायोमोलिक्यूल्स टॉपिक पढ़ेंगे। और आज जो टॉपिक का नाम क्या बचेगा, बेसिक इसका हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, और आपका ग्लूकोज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चा ये है आज हमारा टॉपिक होने वाला है, नीट मॉलिक्यूल्स 10 पेज। क्या बोला दीपिका आपने, कौन सा मॉलिक्यूल? सिर्फ बायो वाले देते हैं ना नीट का पेपर, तो बायो मॉलिक्यूल नीट मॉलिक्यूल। अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ मैं थोड़ा सा पढ़ना तो कच्चा है, थोड़ा सा उसको ध्यान देना, ओके। आप देखो बच्चों, अगर आप JEE का ट्रेंड देखते हो ना, तो क्वेश्चन देखो बच्चे, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान देखो बच्चे, देखोगे तो हर चैप्टर, हर पॉइंट से क्वेश्चन टॉपिक आ रहा है। जैसे देखो बच्चे, देखो कार्बोहाइड्रेट से वहां से क्वेश्चन आ रहा है, डाइसैकेराइड पॉलीसैकेराइड से बच्चे वहां से क्वेश्चन आ रहा है, ये हमें पढ़ना है। अब देखो बच्चों, प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज से भी क्वेश्चन आ रहा है ना। अब देखो अभी जो ट्रेंड है, अभी जो इस बार का जो लास्ट के 2 बार से कुछ बच्चों क्वेश्चन हम कहाँ से बचा रहा था, ये आपका अमीनो एसिड से क्वेश्चन आ रहा था, है ना। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आता बच्चों, प्रोटीन से क्वेश्चन आता, तो बच्चों 20 क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। तो अगर आप बोलोगे चैप्टर बहुत नपा तुला हुआ पार्ट है, अगर बोलूंगा ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, आप ये मान सकते हो। और आप पेपर दोगे बच्चों, पेपर में आपका एक यहाँ से बच्चा एक क्वेश्चन आने का चांस है, मतलब कि आपका 4 मार्क क्वेश्चन यहाँ से आने का चांस है। और कैसा बच्चों, अगर आपको पता है, अगर मैं बोलूंगा कि बहुत सिंपल टॉपिक है और आपको पता है, तो आप आराम से कर लोगे, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा। हम यहाँ पे काफी क्वेश्चन भी करेंगे और आपको यहाँ पे प्रॉपरली समझ भी आने वाला है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। डन, किसी को यस पूछना है? सर, यस सर। ओके फाइन, फाइन। अब देखो बच्चों, ये हम पार्ट पढ़ रहे हैं आपका कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अब बच्चों देखो, सबसे बात है, जब हम कार्बोहाइड्रेट से पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं कार्ब्स, आपने सुना होगा, कार्ब सुना होगा, है ना। तो कहाँ से आता है? और हम खाना खाते हैं तो क्या खाने में से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, बताओ जरा। सर जैसे ये चैप्टर ना 6th क्लास में था। यस जैसे सर, जैसे मान के चलो, है ना, जैसे मान के चलो कि हाँ आपने से बोला, ये आपका वहां पे साइंस से पहले पढ़ देते हो आप कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो जैसे मान के चलो, यस जैसे मान के चलो आपने आज 10 रोटी खा ली, है एक ना, दिन में। पूरा दिन भर में। हाँ तो मतलब सुबह 3, दोपहर 3 और रात को 3, तो 10 रोटी हो गई, है ना। तो हाँ दस सर, 10 सर एक मैं खा लूंगा, नहीं हुई तो एक मैं खा लूंगा, ठीक है ना, एक मैं खा लूंगा। बोलना चाहिए था ना, एक मैंने खाए। हाँ तो 10 रोटी हमने खाई, तो बच्चों 10 रोटी से क्या मिलेगा, हम खाएंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें एनर्जी मिलेगा। तो हमें एनर्जी किस फॉर्म में बच्चों मिलेगा, हमें यहाँ पे ग्लूकोज के फॉर्म में हमें एनर्जी मिल सकता है ना। कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, हमें उससे हमें एनर्जी मिलेगा, ठीक है ना। अब देख बच्चों, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा, जो जिन लोग को डायबिटीज हो जाता है, डायबिटीज, तो डायबिटीज में क्या होता है बच्चों, होता है, आप बोलोगे शुगर आपका बढ़ जाता है, तो आपको रोटरी बोलेंगे कि
कि आप मीठी चीजें मत खाइए, क्यों बच्चों? और आप मीठी चीज खाओगे तो आपका ब्लड शुगर बढ़ जाएगा और आपको शायद चक्कर आने लगेगा, है ना? या आपका क्या बोलते हैं, आपको मतलब क्या बोलेंगे, थोड़ा सा ड्राउजनेस लगे, थोड़ा सा अजीब अजीब फील होगा, ऐसा हो सकता है ना? तो बच्चों सिंपल से बात है, जब हम खाना खाते हैं तो हमें क्या मिलता है? करेला खाओ क्या? अच्छा ये बताओ, करेला में कार्बाइड होता है क्या? पता नहीं बाय मुझे, वाले पूछना। मुझे पता नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे पता है वेजिटेबल्स में मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। हमें वहाँ पे इसमें होता प्रोटीन है ज्यादा ज्यादा मिलता है। वेजिटेबल्स में। अब जैसे मान के चलो अवंतिका ने खा लिया आइसक्रीम, तो शुगर हम भी ज्यादा खाते मिलेगा हैं सर, ना? ये भी सब खा सकते हैं। सबकी बात कर, सबकी बात कर, ठीक है? तो वहाँ पे सबको मिलेगा, ठीक है, चीजें मिल जाएगी। अब बच्चे देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। देखो होता क्या है बच्चों, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसका एक होता है जनरल फॉर्मूला, बच्चे इसको नोट कीजिए, एक होता है जनरल फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या बच्चों है? दैट इज CH2O Y। अच्छा ये क्या बच्चों? ये आपके एक जनरल फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि जो मॉलिक्यूल इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेगा वो आपका कार्बोहाइड्रेट में गिना जाएगा। लेकिन बच्चों क्या होता है, होता यह है कि इसमें आपको कुछ एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन क्या बच्चों? इसमें बात करते हैं एसिटिक एसिड। अब बच्चों एसिटिक एसिड क्या होता है? तो आप बोलोगे CH3 COH, फिर तो ये ऐसा है। तो ये कैसा बच्चों, हम इसको ऐसे ले सकते हैं, दैट इज C2H4O, है ना? ऐसा हम ले सकते हैं। तो बच्चा इस, तो क्या बच्चों, ये आपके इस फॉर्म में आ रहा है या टू इसमें नहीं कुछ और है? आएगा, और टू नहीं होगा। O2 भी आएगा। तो आप कैसे, आप इसको कैसे बच्चों, आप इसको ऐसे ले सकते हो, दैट इज C2H2O, और यहाँ पे आपका H2 आ जाएगा। तो क्या बच्चों, ये आपको इस फॉर्मूले में बैठ रहा है। लेकिन बच्चों हम जानते हैं कि जो हमारा एसिड एसिड बच्चों, ये आपका एसिड है ना कि ये आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तो हम क्या बोलेंगे कि सारे इसको मैच करना ऐसा जरूरी नहीं होता। सेम वे बच्चों देखो, सेम वे में जैसे आपका एक कंपाउंड है जिसे हम बोलते हैं रैमिनोस, ठीक है बच्चों? ये आपका रैमिनोस है। तो इसका आप बच्चों फॉर्मूला नोट करना। फॉर्मूला क्या बच्चों रैमिनोस का? C6H12O5 CH6 O5 H2O5। ये क्या बच्चों, ये इसका फॉर्मूला है। अब बच्चा ये आपका कार्बाइड है लेकिन ये इस फॉर्मूले में नहीं बैठ रहा, है ना? ये आपका इस फॉर्मूले में नहीं बैठता। क्यों नहीं बैठता बच्चों? तो ध्यान दो, यहाँ पे 6 6 तो आ गया, लेकिन बच्चों यहाँ पे आपका ऑक्सीजन जो हो आपका बैलेंस नहीं होगा, है ना? ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होगा। यस। तो क्या बच्चों, ये आपका कार्बोहाइड्रेट लेकिन ये आपके फॉर्मूले नहीं आ रहा। तो ये आपको कुछ डिफिनेशन है जो आपको रुकना करना है। ये आपका एक जनरल फॉर्मूला है ना, रामनोस, ये आपका कार्बोहाइड्रेट है लेकिन आपका जनरल फॉर्मूला में नहीं बैठता। एसिडिक एसिड जो आपका एसिड है वो आपका जनरल फॉर्मूला में बैठ जाता है। बस इतने आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझना पड़ेगा, सिंपल है। देखो विश्व क्या बोल रहे हैं आप? है आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रहा, आप चैट बॉक्स में टाइप कर लो बच्चा। हाँ सुमन, शगुन, आंचल, जिया, समझ में आया पाठ? तो थम्स अप, सर थम्स अप दे सकते हो आप, ऐसा थम्स अप दे सकते हो, या फिर ऐसा थोड़ा सा दिल बना सकते हो, थम्स अप डाल दो, पार्टी कर लो, तो आप कर सकते हो। सर व्हाट अबाउट ग्लूकोज? हाँ ग्लूकोज बैठता है। देखो ग्लूकोज क्या बच्चों, ये सा है ना C6, H12O6 तो इसको मैसेज तो लिख सकता हूँ H2O6। C6H2O6। तो यहाँ पे देखो ये आपके ये जन फॉर्मूला बैठ रहा है, तो ग्लूकोस आपका कार्बाइड जो कि फॉर्मूला बैठ रहा है, सिंपल, ठीक है ना? यहाँ पे ये बोला गया। आप समझ आए प्रिशु? यस सर। ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट या नहीं? ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट हाँ कार्ब काप से ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट है ना? ओके हाँ ठीक है, ओके ये आपको समझना है। अब बच्चे देखो अगर आपको ये पार्ट समझ में, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। अब देख बच्चों
ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है। अब बच्चों अभी आप बोलोगे क्या हमें पूरा स्ट्रक्चर याद करना है अभी, तो मैं बोलूंगा अभी आपको ये सारा स्ट्रक्चर याद करना नहीं है, जब आएगा मैं आपको बताऊं कैसा वो करना। देखो खास बात क्या बच्चों इसको समझो, देखो जो आपका ऐसा लॉन्ग चेन आपका ऐसा दिखाते हैं इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं फिशर, इसे हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। अब बच्चों तो इसमें खाली आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज में कौन सा फंक्शन बच्चों, इसमें आपका है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एल्डिहाइड कौन जो आपका फ्रुक्टोज उसमें क्या बच्चों, उसमें आपका कीटोन ग्रुप है, इतना समझना है। अब देखो बच्चों ध्यान समझो, अगर आपका एल्डिहाइड है, अगर आपका एल्डिहाइड है तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे एल बोलेंगे। अब देखो जैसे बच्चों जैसे आपका ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है बच्चा। अब बच्चों ग्लूकोज में टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, तो आप क्या करोगे, एक दो सिक्स तीन चार पांच और छः। अगर आपका छः कार्बन है और उसमें आपका एल्डिहाइड है तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एल्डो एल्डो हेक्सोस, हेक्सोन हम उसे एल्डो हेक्सोस कहेंगे। मतलब क्या बच्चों कि अगर आप पूछेंगे कि ग्लूकोज क्या है, वो आपका एल्डो हेक्सोस है या कीटो हेक्सोस है, तो आप क्या बोलोगे, वो आपका एल्डो कि बच्चों उसमें आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। दीपिका प्रियंका जिया सारे बच्चे आ रहे हैं ना, सिंपल सब। सर, आप ना एक बार दोबारा बोला, आपने बोला क्या? मैंने ये बोला कि जो आपका ग्लूकोस है क्या ग्लूकोस एल्डो हेक्सोस है या कीटो हेक्सोस है, ग्लूकोस आपका एल्डो हेक्सोस है या कीटो हेक्सोस है, तो मैंने आपको ये बोला कि ग्लूकोस जो है आपका वो आपका एल्डो हेक्सोस में आएगा। क्यों बच्चों, उसमें आपका एल्डिहाइड का फंक्शन है, उसमें आपका छह कार्बन एटम्स है, तो क्या बच्चों का वो आपका एल्डो हेक्सोस के कैटेगरी में आएगा। इतना पार सिंपल डन। यस सर, अगर बच्चा मान के चलो पांच कार्बन है और अगर उसमें आपका कीटोन ग्रुप है तो आप क्या बोलोगे उसको, बोलोगे अब उसको बोलोगे कीटो पेंटोस। पेंटोस अगर आपका पांच कार्बन उसमें आपका एल्डिहाइड ग्रुप है तो आप क्या बोलोगे, एल्डो पेंटोस। पेंटोस ठीक है, अगर बोलूंगा खाली ध्यान रखो, याद करने की जरूरत नहीं है इसको, खाली ध्यान रखो। सुमन शिवानी आंचल शगुन आ रहा है, दीपिका आया भी आया आपको ये पार्ट, अगर आपको आ रहा है तो प्लीज आप थम्सअप डाल सकते हैं। ओके ओके बच्चा बहुत बढ़िया, ओके आगे बढ़ते हो क्यों, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये पार्ट आपको समझो, देखिए बच्चों ये आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका ये पार्ट है, इसको बच्चों आपको ध्यान रखना है, इसको बच्चों आपको ध्यान रखना है। ध्यान के बच्चों इन सब का आपको स्ट्रक्चर आपको बनाना है, इन सब का स्ट्रक्चर बनाना है बच्चे, बहुत सिंपल है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले क्या लिखो बच्चों, सबसे पहले लिखो यहां पे लिखो ग्लिसरल्डिहाइड, इरिथ्रोस, राइबोस और ग्लूकोस। इसमें है क्या बच्चों, देखो देखो यहाँ पे एक दो और तीन कार्बन, यहाँ पे आपका तीन कार्बन है, इरिथ्रोस में आपका एक दो तीन चार कार्बन है, राइबोस में आपका चार पांच कार्बन है, पांच ग्लूकोस में आपका एक सिक्स दो तीन चार पांच छह कार्बन है, सिक्स इतना आपको ध्यान रखना है। आप इसको बनाओ कैसे बच्चों, देखो ध्यान समझो, सपोज ध्यान बच्चों समझाओ, देख समझाओगे। देखो अगर मैंने ऐसे एक लाइन पढ़ा और मैंने एक ऐसा ड्रॉ किया, तो बच्चों जितना आपका इंटरसेक्शन होगा उतना कार्बन काउंट करना है, तो ये पहला कार्बन होगा, ये दूसरा कार्बन होगा, ये तीसरा कार्बन होगा और ये आपका चौथा कार्बन होगा, ऐसे आपको समझना है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे बनाएंगे। अगेन बोल रहा हूं,
ग्लिसरल्डिहाइड, एरिथ्रोस, राइबोस और ग्लूकोज। आपका जो एनसीईआरटी और आपका जो हिमाचल बोर्ड बच्चा, इसमें आपका इसका और इससे स्ट्रक्चर नहीं दिया गया है। एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब फिर कैसे आते हो बच्चों करके, आपका पहला कार्बन होगा एल्डिहाइड और लास्ट में आपका होगा CH2OH। समझे बच्चों? आपको जो भी पार्ट है, आपको पहले आपको डालना है एल्डिहाइड, नीचे आपको डालना है CH2OH, मतलब कि प्राइमरी अल्कोहल, अल्कोहल डालना है। सपोज करो आपको बनना है राइबोस बनाना है, खाली आपको ये ध्यान रखना है कि राइबोस में आपका 5 कार्बन आता है, तो लाइन बनाओ 1 2 3 4 करो, काउंट करो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन या 5 कार्बन। तो मैंने क्या बच्चों, मैंने एक एक्स्ट्रा बना दिया, हटा दो तो बनाओ। तो कैसे बच्चों दो, कैसे को बच्चों दो, या बोलोगे ये आपका पहला कार्बन है, ये आपका दूसरा कार्बन है, तीसरा, चौथा और ये आपका पांचवा कार्बन है। पांचवा कार्बन में क्या करना है बच्चा, आपको करना है आपको वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप डालने एल्डिहाइड हैं, तो यहाँ पे डाल दो सी डबल बॉन्ड ओ एच। लास्ट में क्या बच्चों करो, लास्ट में आप देखो यहाँ पे सी एस टू CH2 ओ एच। फिर करना है बच्चों जो बीच वाला होगा क्या बच्चों, यहाँ पे एक जगह पे एच एक जगह पे ओ एच, ओ एच 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 ओ एच एच, हो गया। इतना करना है आपको बस, सिंपल। तो ये क्या बच्चों, ये आपका राइबोस बन गया, ये आपका राइबोस बन गया। डी हुआ हाँ, सेम क्वेश्चन अब बच्चों अभी बोला, अभी यहाँ पे बोलता मैं, डी क्यों लिखा गया है। अब बच्चों डी और एल कब आता है, देखो बच्चों जब भी आपको डी पार्ट दिखाई देगा आपको करना क्या, बच्चों डी मतलब होता है डेक्सटो, एल मतलब होता है लिवो। तो बच्चों देखो मेरा नाम पसंद है शायद इसको, किसका नाम, नाम डी से आता है ना। हाँ हाँ ये सही बोला। अब देखो आपको बच्चों डी का भाई ध्यान से बच्चों, आपको बच्चों है ना जहां पे आपका CH2OH है, जहां पे आपको CH2 बच्चों, आपको वहां पे आपका पहला कार्बन को गिनना है, मतलब कि CH2OH का पहला कार्बन। ये आपका CH2OH है, ये आपका CH2OH है ना, ये आपका पहला कार्बन है। OH कहाँ पे बच्चों आ रहा है, राइट साइड में, तो होगा आपका डी। ठीक CH2OH आ रहा है, ये पहला कार्बन OH आ रहा है, राइट साइड में आएगा, ये आएगा डी। CH2OH आ रहा है पहला कार्बन, ये आपका OH आ रहा है, तो ये आपका आएगा डी। CH2OH है ये पहला कार्बन, तो ये आपका होगा OH आ रहा है राइट साइड में, तो आपका आएगा डी। अब बच्चों एल में क्या बच्चों का, बहुत सिंपल है, ये आपका लेफ्ट में आएगा OH, लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट में आ गया, लेफ्ट में आ गया, और ये आपका लेफ्ट में आ गया। तो बच्चा ध्यान रखने की बात ये है, एक कब लागू होगा, अगर आपके ऊपर एल्डिहाइड होगा नीचे आपका CH2 होगा, तभी आपका लास्ट को दिखना है, तभी आपको डी और एल आएगा। तो बच्चा मान के चलो मैंने ऐसा बना दिया CH2OH। हाँ एकदम सही बोला, हाँ सही बोला। अभी मैं आपको ट्रिक बता, देखो यहाँ पे मैंने डाल दिया एल्डिहाइड, अब मैंने यहाँ पे डाल दिया एच ओ एच, यहाँ पे डाल मैंने ओ एच एच। अब आपको बोलना है कि ये किस टाइप का पार्ट है, ये सर आपका डी लेवो फॉर्म है, ये एल है, तो आप क्या बोलोगे, ये आपका एल फॉर्म है। एल्फोम आई होप आप सबको ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, राइट मेरे प्यारे यस बच्चों। सर यस सर अब बच्चों जो पार्ट में बोलो उसको ध्यान देना, ग्लिसरल्डिहाइड में GLY में, GLY में आपका 3 कार्बन आएगा, ERY में आपका 5 कार्बन आएगा, RIB में सॉरी चार आएगा चार 4 कार्बन, इसमें आपका 5 कार्बन, इसमें आपका 6 कार्बन आएगा। इतना ध्यान रखना, GL ग्लिसरल्डिहाइड में 3 कार्बन, इरिथ्रोस में 4 कार्बन, राइबोस में 5 कार्बन, ग्लूकोज में 6 कार्बन। इतना आपको ध्यान रखना है, ये इसका शॉर्टकट ट्रिक है। अगर मैं बोल रहा हूँ टेक्स्ट बुक में इसको प्रॉपरली बताया नहीं गया है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझो। यस एनसीईआरटी में भी नहीं है ये पार्ट आपका नहीं दिया गया, ये दोनों नहीं दिया गया है, दिया है यस लेकिन
दिया है लेकिन आपका प्रॉपरली दिया नहीं गया है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। कैसे सर, दिया भी है प्रॉपरली, दिया भी नहीं है। मतलब इसका साइक्लिक फॉर्म दिया गया है, इसका ना साइक्लिक फॉर्म दे दिया गया, आपको समझ भी नहीं आएगा वहां पर। तो साइक्लिक फॉर्म जो मैं आपको कल बताऊँ कैसे हम ड्रॉ करते हैं साइक्लिक फॉर्म के बारे में, ठीक है? तो तो सारे बच्चे इसको जरा नोट डाउन कर लीजिए। क्या हो रहा है इतने शांत में मत बैठो भाई। डाउन कर रहे सर। सर आपको कितनी बार बताया जब बच्चे नोट डाउन करते तो बोलते नहीं। नोट डाउन कर रहे कर हाँ ठीक है ठीक, कर लो। लिया नोट, मैंने नहीं किया अभी। हाँ करो करो आराम से करो। प्रिसु सोच रही होगी फाइनली ऑर्गेनिक खत्म हुआ, मेरा जान छूटा है क्या? नहीं प्रिसु है ना? ऑर्गेनिक तो सर छूट गया, लेकिन ये ना सर ये बताओ ना, जो केमिस्ट्री होते है ना उसमें कार्बन कितने बार आता है, सी कितने बार आता है, एच क्या कार्बन ने सर कार्बन और हाइड्रोजन, सी और एच कितने बार आता है पूरी केमिस्ट्री में? ऑर्गेनिक बहुत बार आता है, बहुत बार, बहुत शुरू भी सी और एच से होता है। बार आता है। सुमन हो गया, ईशा हो गया, शिवानी हो गया, आंचल, शगुन, जिया, प्रियंका, ओके। मेन बात है बच्चा ना, इसका जो क्वेश्चन है ना बहुत इजी क्वेश्चन आता है जेई में, ये मैं कह रहा हूँ। लेफ्ट हो जा रहे, अभी अपडेट हो जाओ क्या? नहीं सर, अच्छा लिखा है ऐसा, चालाकी है। लेकिन सर ये आगे ना बढ़े, ग्लूकोज बोलो बोलो दीपिका बोलिए। में ना एक बार ये उल्टा पुल्टा क्यों लिखा है, एक तरफ एच लिखा है एक तरफ ओ एच लिखा है। हाँ वो आएगा आएगा, वो मैं आपको समझाऊंगा बाद, डोंट वरी, ठीक है? नहीं सर, तो इसे डेक्सोलीवो ऐसे क्यों लिख दिया फिर, इसे रहने देते खाली ग्लूकोज ही लिखते हैं। देखो जब भी आपको ना डी दिख रहा है ना, तो आपको खाली इस वाले कार्बन दिख रहा है, ऊपर जैसे भी वो चलेगा वो मैटर नहीं करता, आपको ना खाली लास्ट वाले कार्बन को देखना पड़ेगा जब आपको डी और एल दिखना है, तो ये मैं भी कह रहा हूं, ठीक है? खैर कोई नहीं, कर लेंगे एडजस्ट। बहुत बढ़िया, ओके। अब बच्चों आगे हम पढ़ते हैं मोनोसेक्रेट के बारे में। अभी आप बोलोगे ये मोनोसेक्रेट क्या होता है और ये सेक्रेट नाम आया कहाँ से? सबसे बच्चों देखो, जब हम ना सेक्रेट वर्ड सुनते हैं उसका मतलब जो होता है आपका स्वीट, मीठा। आओ मोनो मतलब क्या बच्चों? मोनो मतलब होता है एक। मोनो या हाँ यूनि, ऐसा, ठीक है ना बच्चों? तो हम ऐसा बोलेंगे बच्चों, देखो क्या लिखा, देखो एक बार पढ़ते हैं। दीपिका जरा पढ़े बच्चे इसको। एक कौन सा कार्बोहाइड्रेट, वाला? यहाँ से ए बच्चों कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड ए मोनो, ये कैसे मोनोसैकेराइड। मोनोसेकेराइड। अबाउट 20 मोनोसेकेराइड आर नॉन टू अकर इन नेचर। सम कॉमन एग्जाम्पल आर ग्लूकोज, फ्रेक्टोज, रिबोज एक्सेट्रा। ओके तो बच्चों ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ के मोनोसैकेराइड्स है। अब मोनोसैकेराइड मतलब क्या बच्चों? अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ ग्लूकोज, फॉर्म में क्या होता है बच्चों? होता है C6H12O6। H12O6 अगर बच्चों अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करता हूँ एसिड बेस में, तो क्या बच्चों का यहाँ पे और आपका और इसे छोटा नहीं कर सकते, इसका ना और स्मॉलर यूनिट्स नहीं आएगा, तो इससे हम क्या बोलेंगे? इससे बोलेंगे मोनोसेक्राइड। तो आप बोलोगे डाइसेक्राइड होता बच्चों, जैसा बोलते हैं डाइसेक्राइड। तो डाइसेक्राइड मतलब क्या बच्चों का? ऐसे कंपाउंड होगा जैसे मैंने उसको हाइड्रोलिस किया, तो क्या बोला बच्चों आपका दो कंपाउंड वहां से निकला, तो उसे हम बोलोगे डाइसेक्राइड।
मोनो में क्या होगा? तो बच्चों मोनो में क्या होगा? मोनो में द कार्बन कैन नॉट बी हाइड्रस फर्दर, मतलब उसको हम और छोटा नहीं कर सकते, हम उसे कहेंगे मोनोसैकर। एग्जाम्पल क्या बच्चों आप बोलोगे? ग्लूकोस है, फ्रक्टोस है, राइबोस है, ये सारा आपके मोनोसैकेराइड्स है। सिंपल ऐसा। अगेन पूरा एग्जाम्पल्स करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको खाली ये बोलूंगा कि आप खाली ग्लूकोस, फ्रक्टोस, राइबोस, इरिथ्रोस और आपका ग्लिसरल खाली इतना नोट कर लेना कि आपके मोनोसैकेराइड होते हैं। तो ये तो आपने पहले पढ़ा, ग्लिसरल डिहाइड, इरिथ्रोस, राइबोस, ग्लूकोस और आपका फ्रक्टोस, ओके ठीक है ना? ये सर आपके मोनोसैकेराइड्स होते हैं, बस इतना दिखाना है और कुछ नहीं। हो रहा है बच्चों? कर ले नोट डाउन। सिंपल सा पार्ट है, हर क्वेश्चन एकदम सिंपल सिंपल पार्ट है। सिर्फ बायोलॉजी वाले ना इतने में तो बड़े बड़े अक्षर याद कैसे करते होंगे। अलग अलग है, काफी बड़ा बड़ा। अभी भी है खैर, पर मैंने देखे है ना उनकी बायोलॉजी की बुक्स में इतने बड़े बड़े होते हैं ना। मैं होती ना, मेरे से तो स्पेलिंग ही नहीं होनी थी यार। क्यों कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा ना बच्चा। करना सर, तभी तो बैठ दिया। आगे बढ़ सकते हैं क्या बच्चों? आगे बढ़े। अब यस सर, यस सर। बच्चों देखो, अभी यहाँ पे बोला गया है मोनो डाइसाइड के बारे में, तो क्या लिखा दो लिखा लिखा बच्चों देखो, लिखा गया है वन टू मोनोसैकेराइड्स यूनिट इज ऑब्टेन ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ ए डाइसैकेराइड और मे बी और सेम और डिफरेंट। इसका मतलब बच्चों सपोज करो मैंने यहाँ पे लिया सुक्रोज, सुक्रोज का तो बच्चों होता है दैट इज C12H22O11। 11 जैसे आपने इसको वहां पे किया हाइड्रोलिसिस, तो क्या बने बच्चों? बनेगा एक ग्लूकोस आएगा और एक आपका फक्टोस आएगा। सेम वे बच्चों देखो, सेम वे में अगर आप करो बच्चों, अगर आपने लिया माल्टोस, अगर आपने माल्टोस लिया, माल्टोस ने आपने उसका हाइड्रोलिस किया, तो क्या बने बच्चों? बनेगा अब लोग वहां पे आपका ग्लूकोस और ग्लूकोस बनेगा। ग्लूकोज नहीं। तो यहाँ कैसा हो बच्चों? यहाँ पे आपका दो यूनिट बन रहा है, यहाँ बोला या बच्चों बोला ये गया है दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों अलग भी हो सकते हैं। हम उससे क्या बोलेंगे बच्चों? बोलेंगे हम उससे बोलेंगे डाई सैकराइड। आपको खाली आपको ध्यान ये रखना है कि माल्टोस में आपको ग्लूकोस ग्लूकोस मिलेगा और सुक्रोस में आपका ग्लूकोस और फ्रुक्टोस मिलेगा, इतना आपको ध्यान रखना। बस ग्लूकोस में आपको सॉरी सुक्रोस करोगे तो ग्लूकोस फ्रुक्टोस मिलेगा और माल्टोस करोगे तो आपको ग्लूकोस और ग्लूकोस से मिलेगा। हाँ बस इतना आपको, बस इतना नोट डाउन करना है, इतना पार्ट है। और गणित सिंपल है। यस सर, यस सर। चलो फाइनली सबको पसंद है ऑर्गेनिक। मुझे बहुत पसंद है ऑर्गेनिक। शाबाश, वाओ, वेरी गुड। कांग्रेचुलेशंस सर। भाई मैंने एमएस से केमिस्ट्री किया, मुझे पसंद नहीं आया, कैसे बात कर रहे हो बोलो। हमारी मैम भी सर यही बोलती है, ऑर्गेनिक तो मेरी फेवरेट है, जा तुम ऑर्गेनिक पढ़ लो, नहीं तुम्हारे तोते उड़ जाने। सबने उड़न किया इसको। ओके यस सर, यस ब्लॉक, सर। ओके ठीक है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पे लिखा गया पॉलीसेकेराइड के बारे में। अब यह बोलो पॉलीसेकेराइड में देखो बच्चों, आप बोलोगे पॉलीसेकेराइड बहुत बड़े बड़े यूनिट होते हैं, उससे एग्जांपल क्या होता है बच्चों? जैसे हम बोलते हैं स्टार्च, आज सेलुलोस, सेलुलोज ग्लाइकोजन, गम्स, ये क्या बच्चों का? ये इसे हम बोलेंगे पॉलीसेकेराइड्स। खास बात के बच्चों जब हम पॉलीसेकेराइड को हाइड्रोलाइज करते हैं आपको बहुत सारा मोनो डाइसेकेराइड मिलेगा,
तो बहुत सारे होते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे क्या लिखा लिखा बच देखो, पॉलीसेकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, हेंस दे आर कॉल्ड अ नॉन शुगर। आपको अभी करना क्या बच्चों, आपको खाली ये करना है कि आपको पॉलीसेकेराइड्स के एग्जांपल्स नोट करने हैं, जैसे स्टार्च हो गया, ग्लूकोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, गम्स हो सेलुलोज गया। सेलुलोज और आपको क्या देना बच्चों, जो आपका पॉलीसेकेराइड होते हैं वो आपका स्वीट टेस्ट के नहीं होते, इसलिए हम उसको नॉन शुगर कहेंगे। जैसे बच्चों आपने सुना होगा आलू, है ना, आलू सुना होगा, सर स्टार्च है ना, होते हैं स्टार्च, उसमें आपका स्टार्च होता है। यस तो सर बच्चों जिसको डायबिटीज होता है ना, वो डॉक्टर बोलते हैं कि आप ज्यादा आलू ना खाओ। क्यों बच्चों? ये बिकॉज जब आप, है ना, स्टार्च को हाइड्रोलाइज करोगे तो क्या बनेगा बच्चों, वहां से आपका, वहां पे आपका ग्लूकोज बनेगा बाहर आएगा। तो ग्लूकोज से बच्चों, ग्लूकोज आपका ब्लड शुगर बढ़ाएगा, इसलिए हम उसको खाने को मना करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, दैट इज स्टार्च, सेलुलोज, ये सब क्या, ये सब के पॉली सेकेट्स होते हैं और ये आपके स्वीट टेस्ट, इसलिए हम उसको नॉन श्यूर कहते हैं। इतना आपको नोट करना है। अगेन बोलो बच्चों, ये जो पूरा पार्ट पढ़ रहे हो उसको आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे। आलू, आलू ले लो। सर आप डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते? नहीं मुस्कान, मैं वैसे ठीक हूँ। क्या नहीं सर, आपने, क्या फायदा है ना कि पेशेंट बेचारा अभी बोल नहीं सकता। क्या पता मुस्कान आपकी बात सच हो जाए, क्या सच में मैं डॉक्टर बन भी सकता हूँ? हो अभी सकता नहीं है, बन सकते सर क्या पता आप बन सकता हूँ शायद। ऐसा, अरे बनाने का तो पता नहीं, अगर बना के देगी ना तो मना नहीं करूंगी कसम से। आप मस्त आलू बेचो। ठीक है, अब बच्चों देखो, अभी हम बात करते हैं रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग बाइक पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, लिखा है द कार्बोहाइड्रेट मे बी क्लासिफाइड एज आइदर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो क्या लिखा बच्चों, लिखा है ऑल दोस कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूसेस फेलिंग एंड टोलेंस रिएजेंट आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग सॉरी, और आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। और आप क्या बोलोगे, जितने भी मोनोसेकेट्स होते हैं, चाहे वो आपका एल्डिहाइड हो, चाहे वो कीटोन ग्रुप हो, वो क्या बचोग, वो आपके रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। तो बच्चा ये पॉइंट आपका काफी ज्यादा आईएमपी है, दैट इज मोनोहाइड्रेट्स विथ एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। टॉयलेट क्या बोला बच्चा आपने, बोला प्रिशु? टॉयलेट ओके, अच्छा प्रिशु आई गेस बोल रही है फिलिंग सोल्यूशन एंड टॉयलेट सोल्यूशन के बारे में, राइट, है ना। यस अब बच्चों मैंने आपको पहले बताया था, जब हम फिलिंग सोल्यूशन बात करते हैं तो उसमें आपका दो होता है, एक होता है फिलिंग ए, एक होता है फिलिंग बी, एक आपका फिलिंग ए फिलिंग बी होता है। जब हम इसको ऐड करेंगे, अगर आपका रेड पीपीटी आया तो क्या बच्चों को, वो आपका रिड्यूसिंग कर रहा है। और टॉलरेंस में क्या होता बच्चों, टॉलरेंस में आपका क्या बच्चों आएगा, आपका वहां पे आपका सिल्वर मिरर टेस्ट आएगा, सिल्वर कलर का लाइन बन जाएगा टेस्ट में, तो वो आपका टॉलरेंस सॉल्यूशन है, सिंपल। ठीक है, आ रहा है क्या समझ में? सर तो टॉलरेंस से आपका क्या बच्चों, ये आपका सिल्वर एल्युमिनियम सॉल्ट होता है। हाँ एकदम से बोला दीपिका, ये आपका एल्डिहाइड कीटोन्स में पार्ट था, एकदम से बोला आपने, इसलिए आपको दिव्या पता है इसको भी, एकदम से बोला। तो ये आपका रीजन होता है, एक होता है फिलिंग ए, एक होता है फिलिंग बी, ठीक है ना, एक होता है एक्वस कॉपर सल्फेट, एक होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इसके अंदर। तो अभी आपको रीजन में जाते हैं, खाली आपको समझो कि अगर आपका फिलिंग से रिड्यूस कर दे तो वो आपका रिड्यूस शुगर होगा, उसको अगर वो आपका रिड्यूस हो जाता है तो, इतना ध्यान रखो। डन मेरे प्यारे बच्चों, इतना पार्ट। यस सर यस सर ओके, तो देखो बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में पढ़ा। क्या, जो आपके पॉलीसेकेराइड होते हैं वो आपके
स्वीट टेस्ट के नहीं होते, नॉन शुगर, नॉन शुगर इसलिए हम बोलते हैं। उसे नॉन शुगर कहते हैं। फिर हमने आपका डाइसैकेराइड के बारे में पढ़ा क्या, फ्रक्टोज को हाइड्रोज से मुझे आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा सुक्रोज शुगर से, अगर मैं माल्टोज को हाइड्रोज होता मुझे आपका ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलेगा, यस सर, तो ये आपका डाइसैकेराइड है और ये सर आपके मोनोसैकेराइड्स हैं, दैट इज इरिथ्रोज, ग्लिसरल्डिहाइड, राइबोस, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ठीक है, ये सर आपके मोनोसैकेराइड्स हैं। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, और आपका रिड्यूसिंग ऑन नॉन नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में। ओके इतना बच्चा हमने पढ़ लिया। अब बच्चा का आपको एग्जाम ऐसे पूछेंगे, जो सेलुलोस है वो किसमें आता है, वो आपका मोनो में आता है, पॉलीसेकेंड वो आपका पॉलीसेकेंड में आता है, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछेंगे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिख रहा है बच्चों क्वेश्चन, तो यस सर। क्या लिखा बच्चों, देखो सुक्रोज दैट इज केन शुगर इज ए डायसेक्राइड, वन मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज इज हाइड्रोलाइसिस, तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज ऑप्शन मोल ऑफ फ्रक्टोज, बताओ, ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से, ऑप्शन सर, ऑप्शन 3। तो आप क्या बोलोगे, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और आपका वन मॉलिक्यूल सुक्रोज मिलेगा, फ्रक्टोज मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आएगा, ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये ध्यान रखना सारे बच्चे। तो ये बच्चा हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, अभी हमने क्वेश्चन कर लिया, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। यस सर, यस सर। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, अभी हम ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे और आपका प्रिपरेशन वाले पढ़ेंगे बच्चों, ये आपका एक आईएमपी पार्ट है, यहां से आपका एंट्रेंस में इस साल 2 क्वेश्चन आ चुका है इस पार्ट से, तो बच्चों स्टार्ट करें पढ़ना, यस सर, यस सर। ओके। तो अगेन बोलो बच्चों, सिंपल है, ध्यान समझना। अब देखो पहला पार्ट क्या, ये पार्ट क्या बच्चों, ये पार्ट ये है कि हम ग्लूकोज को बनाते कैसे, दैट इज प्रिपरेशन, हम बनाएंगे कैसे, कैसे बनाएंगे। तो क्या बच्चों का, अगर मैंने सुक्रोज को मैंने क्या क्या बच्चों कर दिया, अगर मैंने सुक्रोज हाइड्रोलाइज किया प्लस तो मुझे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा, यस ये पार्ट आ गया। सर, यस सर, अगर मैंने स्टार्च लिया, अगर मैंने यहाँ पे स्टार्च लिया या सेलुलोज लिया और मैंने उसका मैंने हाइड्रोलाइज किया इन द प्रेजेंस ऑफ डायल्यूट H2SO4 एट हायर टेम्परेचर, तो मुझे क्या मेरे बच्चों, मुझे यहाँ पे ग्लूकोस ग्लूकोज मिलेगा, बस इतना ही पार्ट है, जो हमने पहले पढ़ा था वही पार्ट है, हम वापस रिपीट करते हैं। अगर मैं सुक्रोज लेता हूँ तो मेरा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनेगा, अगर मैं स्टार्च या सेलुलोज लेता हूँ उसका मैं हाइड्रोलाइज कर रहा हूँ, टेम्परेचर हाई रखा है, प्रेशर ज्यादा है, तो आप वहां पे ग्लूकोज बनेगा, क्या वो दीपिका, 90% क्या हुआ बच्चा, डाटा खत्म हो गया। ओके ओके, और डाटा खत्म। ये क्या बोलते ना, ये सुक्रोज है ना, इसे ना हिंदी में क्या बोलते हैं? गन्ना, गन्ना गन्ना का स्पून शुगर, केन शुगर। थैंक यू सर, बता जो आप गन्ना जूस पीते हो ना वो यही है, सर, मैंने आज तक पिया नहीं है, गन्ने का जूस नहीं पिया है सच में, नहीं सर, कसम से सर, मेरे को मैं तो रोज पीता भाई। देखने में बेकार लगता है। ठीक पी लेना कभी, ठीक है, सर, मैंने भी पी। अच्छा होता है। ओके अब बच्चों देखो, ये आपको प्रिपरेशन बहुत सिंपल है, सुक्रोज को हाइड्रोलाइज किया तो ये बनेगा, स्टार्च को और ग्लूकोज को हाइड्रोलाइज क्या बनेगा बच्चों, ये आपका ग्लूकोज ग्लूकोज, बनेगा। अगेन मैं बच्चों, ये कंडीशंस आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, इतना ही है और कुछ नहीं है। तो
जल्दी बच्चों नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सुमन हो गया, साक्षी, अंचल, साइना हो गया, गुंजन, सुनिधि, पलक, हो गया। यस अनुष्का। सर। ओके रुक जाओ एक मिनट। हाँ, रुका रुका, डोंट वरी। बहुत बढ़िया। चलो बच्चा आगे तो बढ़। अब बच्चों अभी हम पढ़ेंगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, पता चला। अब बच्चों जो पॉइंट बोलो ध्यान समझना, बहुत सिंपल है। हमने तो ये बोल दिया कि ग्लूकोज ऐसा, बच्चों ग्लूकोज ऐसा है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। यहाँ पे आ गया CH2OH, यहाँ पे आ ओके गया रखे से डबल डबल OH। अब क्या बचेगा? OH OH H H H H OH 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 H H OH 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 H। H ये आप पे ग्लूकोस है। तो साइंटिस्ट ने बोला कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा अलग क्यों नहीं था बच्चों? तो हमने क्या बोला बच्चों, इसका हमने स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया। तो बच्चों तीन चार स्टेप है, वो स्टेप आपको ध्यान रखना। और बच्चों इसी पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो बच्चों पहला पॉइंट क्या है, ध्यान समझो, मैं बताता हूँ। पहला पॉइंट ये बच्चों, हमें कैसे पता चला कि ग्लूकोज से आपका एक स्ट्रेन चेंज हो? ये क्या बच्चों कैसा है? ये आपका एक लॉन्ग चेन है ना, ये आपका पूरा एक लॉन्ग चेन है। तो हमें पता कैसे चला कि ग्लूकोज से कार्बन सब लॉन्ग चेन आ रहा है, कोई ब्रांचिंग नहीं है? तो क्या था बच्चों, जब हम उसको ग्लूकोज को हाइड्रोजन आयोडाइड पे हिट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है बच्चों, हमें यहाँ पे एनहेक्सीन मिलता है। मतलब बच्चों पूरा लॉन्ग चेन है। तो हमें ये पता चलता है कि ग्लूकोज में जो कार्बन कार्बन है बच्चों, किस बच्चों वो जो 6 कार्बन है वो आपका लॉन्ग चेन में अटैच्ड है। जब आपने ग्लूकोज को HI में रिएक्शन करवाया तो आपको एनहेक्सेन मिला, जो कि आपका कार्बन कार्बन चेन है। इस समय यह पता चला कि क्या बच्चों, ग्लूकोज में आपका 6 कार्बन है और वो आपका एकदम स्ट्रेट लाइन में है। ये आपका इस पॉइंट से पता चलता है कि ग्लूकोज में आपका 6 कार्बन आता है, मतलब कि 6 कार्बन का लॉन्ग चेन मिलता है। ये आपका पहला पॉइंट है। समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत सिंपल वे से बता रहा हूं। ठीक है, ग्लूकोज अच्छा को, ग्लूकोज को जब मैंने HI से ट्रीट किया तो मुझे अनएक्सेम मिला। इससे मुझे पता चला कि जो ग्लूकोज में जो कार्बन कार्बन चेन है वो आपका एक लॉन्ग चेन स्ट्रेट लाइन में अटैच्ड है, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। ये आपका पहले पॉइंट से पता चला। तीसरा पॉइंट क्या बच्चों, तीसरा पॉइंट ये हम बात करते हैं। तीसरा पॉइंट किसे बच्चों, ये आपका बात करता है कार्बन ग्रुप के बारे में। हमें कैसे पता चला कि ग्लूकोज में आपका कार्बन ग्रुप है? तो क्या बच्चों, जैसे ये आपका एल्डिहाइड है। अब बच्चों एल्डिहाइड में अगर मैं हाइड्रोक्सिल अमाइन डालूं तो क्या बच्चों का, ये आपका ऐसा बच्चों, देखो ये आपका ऐसा है, दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ एच है, और यहाँ पूरा आपका कार्बन चेन है, और यहाँ पे आपका ये पार्ट दैट इज हाइड्रोक्सिल अमाइन है। तब क्या बच्चों का, आप यह बोलोगे यहां से आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और यहाँ बच्चों कार्बन और नाइट्रोजन में, कार्बन और नाइट्रोजन आपका डबल बॉन्ड बनेगा। तो क्या बना बच्चों, क्या बना? ये आपका बना था ऑक्साइन, ऑक्साइड। ऑक्साइन बना। तो हमें ये पता चला कि क्या बच्चों, जो आपका ग्लूकोज है बच्चों, ग्लूकोज में आपका कार्बन ग्रुप प्रेजेंट है। ये आपका पहले मेथड से पता चला। साइंटिस्ट सोचा कि आप दूसरा और वेरीफाई कर देते हैं। तो क्या बच्चों हुआ, साइंटिस्ट से दूसरा मेथड लिया। क्या बच्चों लिया, अगेन ये आपका एल्डिहाइड है। अब बच्चा एल्डिहाइड ऐसा है, सी डबल बॉन्ड ओ एच ऐसा है। अब क्या बच्चों हुआ,
अब इन्होंने हाइड्रोजन साइनाइड से डाला, तो क्या बचा हुआ, एच प्लस निकला, सेनमाइन निकला, क्या बचा होगा, ये बॉन्ड से ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा ओ नेगेटिव सी पॉजिटिव, तो क्या बचा होगा, सी एन जाके कार्बन से जुड़ेगा, लग जाएगा यहाँ पर, तो क्या बना, ये आपका बना साइनोहाइड्रिन, ये आपका बना साइनोहाइड्रिन। तो हमें यह पता चला कि ग्लूकोस में आपका कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। सिंपल, हमने पहले उसको हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्ट किया तो आपका ऑक्सेन बना, जब हमने एसएन से रिएक्ट किया तो क्या बना बच्चों, तभी आपका साइनोहाइड्रिन बना, ये आपका साइनोहाइड्रिन बना। इससे हमें यह पता चला कि ग्लूकोज में आपका कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, इतना आपको बच्चा नोट डाउन करना पड़ेगा। सिंपल, सारे बच्चे नोट डाउन कर लीजिए, कम ऑन। आई होप आप सभी को आ रहा है जो हम पढ़ रहे हैं। कुछ तो बोल दो, ये तो कैमरा आ है। रहा है सर, आ रहा है, आ रहा है सर। प्रशु, टीना, सुमन, ऐश्वर्या, साइना, पलक, साक्षी, सुनिधि, गुंजन, आ रहा है? तो ओके, 100% डेटा स्वाहा। कोई बात है बच्चा दीपिका, जितना उस तबियत जा सकते, क्या रास्ता। ओके, अब बच्चों आगे वाला पॉइंट बचा हुआ है, लेकिन हम इसको काम करते हैं, हम इसको बाद में करते हैं, ठीक है ना, बिकॉज टाइम भी खत्म हो रहा है, हमें उसको रिविजन भी करना है। तो देखो बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे मैं आपको बताता हूँ, दिख रहे बच्चों यस सर। जो क्वेश्चन लिखे बच्चों का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द, कौन सा आपका कौन सही नहीं है, क्या ग्लूकोस एल्डोहेक्सोज है, हाँ या ना, यस ये है, क्या मैं जब उसको हीट करता हूँ, अच्छा है, तो क्या बनता है, बनता है, सर। बनता है, तो ये भी नहीं आएगा। फ्रुक्टोज इज द पाइरिनोस रिंग, तो क्या बच्चों, ये आपका पाइरिनोस, ये आपका, ये गलत आपका फ्यूरिनोस, ये आपका अलग होगा, ये पाइरिनोस नहीं आएगा। तो आप बोलोगे ये बच्चा आपने पढ़ा नहीं इसलिए आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन इजी है, सर। कोई बात नहीं। अब देखो, ये देखो आपका जे क्वेश्चन दिख रहा है, ये तो बच्चों पूछा गया 2022 में, ग्लूकोज, फर्स्ट का अच्छा है, क्या आएगा। फोर्थ हेक्सेन। अब बच्चों ब्रोमीन वाटर, एसिड कैनाइड, ये आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है, जब आप इसको पढ़ लोगे तो आपको आ जाएगा क्वेश्चन। देखो अगर आपको पहला वाले पता बच्चों, तो पहला वाला 4 आ रहा है, तो ए का 4 आएगा, तब क्या बोलोगे, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी नहीं आएगा मेरा। देखो बच्चों आपका 2 आंसर तो ऐसे ही हट गया, सर ऑप्शन ए आएगा। बहुत बढ़िया बच्चा। बच्चों बाकी तो हमने पढ़ा नहीं है इसको, लेकिन फिर भी आप इसको देखना जरा, देखो देखो बच्चों, देखो अगर आप ग्लूकोज को रिएक्ट करते हैं ब्रोमीन वाटर से तो क्या बने बच्चों, ये आपका सर ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, मतलब क्या आपका एल्डिहाइड आपका एसिड में चेंज हो जाएगा, क्या बच्चों, बिकॉज ये आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। देखो अगर मैं ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्रेज करता तो क्या बनता है बच्चों, ये आपका ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बनता है। तो डोंट वरी, ये मैं आपको करा दूंगा, लेकिन आप समझ जाओ कि हम कैसे करते हैं। तो ये आपका एसिटिक एनहाइड्रेज, तो ये आपका ग्लूकोज पेंटा एसिटेट दिखा बनता है। अब बच्चा देखो, जब आप ग्लूकोज को ट्रीट करते हो, नाइट्रिक एसिड से, दैट इज एच2, क्या बने बच्चों, ये आपका सैक्रिक एसिड बनेगा, और आप ग्लूकोनिक एसिड को क्या बच्चों डालते हो, क्या ये आपका सैक्रिक एसिड बनेगा। तो बच्चों देखो ये सेम पार्ट पूछा गया यहाँ पर, देखो अगर मैंने इसको
नाइट्रिक एसिड से क्या, तो क्या बने बच्चों बनेगा एसिड। सेकंड, क्या आप बोलोगे डी का थ्री आएगा, तो डी का थ्री कहाँ पे आ रहा है, डी का थ्री यहाँ पे आ रहा, तो आप बोलोगे पहला आपका राइट आंसर आएगा। समझे सर बच्चे? यस सर। तो देखो बच्चों एग्जाम में यहाँ से बहुत इजी इजी क्वेश्चन आने वाला है, खाली आपको ध्यान होना चाहिए कि हम पाठ कैसे करेंगे। सुमन जिया सबको आ रहा है बच्चों, हम कैसे करें वाला पाठ? तो बच्चों ये जो पाठ है मैं आपको अगेन पूरा प्रॉपरली बताऊंगा, ध्यान समझना। तो बच्चा आज हमने क्या पढ़ा, आज बच्चों बेसिकली आज हमने सबसे पहले पढ़ा आपका कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला, और हमने ये देखा कि जनरल फॉर्मूला में हर कार्बोहाइड्रेट उसका फॉर्मूला बैठे और जरूर नहीं है। एक्सेप्शन क्या था बच्चों, एक्सेप्शन था आपका रामेनोज, रामेनोज उसका एक्सेप्शन केस था। यह आपका कार्बोहाइड्रेट बच्चों लेकिन आपका जनरल फॉर्मूला नहीं बैठता। दूसरा हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने ग्लिसरल्डिहाइड, इरिथ्रोस, राइबोस और आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में पढ़ा, हमने उनका स्ट्रक्चर पढ़ा। दूसरा हमने क्या पढ़ा बच्चों, पढ़ा बच्चों कि डी कब होगा और एल कब होगा, हमने उसके बारे में पढ़ाई किया। तीसरा बच्चा हमने क्या पढ़ाई किया कि आपका मोनोसाइक्लिक क्या होता है, आपका डाई क्या होता है और आपका पॉली क्या होता है। रिड्यूस चौथा पढ़ा हमने क्या पढ़ा, कौन सा आपका नॉन नॉन शुगर होता है, कौन सा आपका शुगर, नॉन शुगर होता है, कौन सा आपका रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग और शुगर। कौन सा आपका नॉन रिड्यूसिंग होता है, ये बार हमने पढ़ा। और सिक्स पॉइंट हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा प्रिपरेशन ग्लूकोस ऑफ ग्लूकोज का पढ़ा हमने, और आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर के बारे में तो अभी थोड़ा पढ़ाई किया। तो बच्चा ब्रोमीन वाटर, एसिडिक एनहाइड्राइड और ये वाला मैं आपको नेक्स्ट क्लास से बता दूंगा, और ये आपका काम मुझे बताना क्या ये हमारा पढ़ना बाकी है। समझे सर बच्चे? तो आप ये कह सकते हो कि चैप्टर के बच्चों ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, अगर आपको पता है बच्चों तो आप आराम से क्वेश्चन बनाओगे, आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। समझे मेरे बच्चों जो मैं कह रहा यस हूँ आपको? सर। तो बच्चों यहाँ पे हम क्लास को यहाँ पे हम एंड करते हैं, ठीक है ना? आई होप आप सबको क्लास में मजा आया बच्चों, आया होगा, एंड हम अभी हम कल मिलेंगे। ओके okay? यस सर। बाय चलो बच्चों बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर, बाय बाय, सर। गुड नाइट बाय सर। बाय। थैंक यू।